करोड़ों रुपए की लागत से बने गवर्नमेंट कॉलेजों में टीचरों की कमी से छात्रों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जिससे कि छात्रों में नाराजगी है। करोड़ों रुपए की लागत से कॉलेज तो बना दिया गया है, लेकिन कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर्स की कमी है। ये कॉलेज जुलाई 2019 में प्रारंभ हुआ था, तभी से यहाँ पर स्टाफ की दिक्कत रही है। शुरू से यहाँ पर इंग्लिश के कोई प्राध्यापक नहीं है, इस साल भी नहीं, पिछले साल भी नहीं थे। हिंदी के दो स्टाफ मेंबर्स की जरूरत है, एक ही मैडम यहाँ पर कार्यरत है, तो एक की दिक्कत है हिंदी में भी। मैथमेटिक्स में दो टीचर की जरूरत है, एक ही टीचर कार्यरत हैं। ज्योग्राफी में दो टीचर पूरे हैं। साइको और पब्लिक एड के जो टीचर यहाँ पर कार्यरत थे, उनका डेप्टेशन ग्रेड पूरा हो चुका है और वो अपने पेरेंटल कॉलेज में वापस जा चुके हैं। इसी तरह बीएससी कंप्यूटर साइंस शुरू किया गया है, बीएससी कंप्यूटर साइंस के टीचर नहीं है, फिजिक्स के कोई टीचर नहीं है, और यहाँ पर इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल मैडम है, ये अगले बार रिटायर होने वाली हैं, तो इकोनॉमिक्स के कोई टीचर यहाँ नहीं रहेंगे। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि शिक्षकों की भर्ती के लिए अधिकारियों को बार बार कहा जा चुका है, लेकिन अभी भी कॉलेज में शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। इतना ही नहीं, छात्रों का ये भी कहना है कि कॉलेज में पानी और बिजली की कमी है, जिससे कि हमें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। टीचर है और कोई टीचर नहीं है, इकोनॉमिक्स की भी नहीं है, साइको की भी नहीं है, ना ही इंग्लिश की है और ना ही पब्लिक एड की है। नहीं सर, मैम ने कई बार बोला तो है कि भाई बुलाएंगे टीचर को, बुलाएंगे। यहाँ पे सिर्फ चार पांच टीचरों के अलावा कोई भी टीचर नहीं है। हमारी कभी कभी एक ही क्लास लग पाती है सिर्फ हिंदी की। उसके बाद यहाँ पे बस की भी सुविधा नहीं है, आते जाते टाइम बस स्टैंड से यहाँ तक पैदल आना पड़ता है इतनी गर्मी में। जब कॉलेज में शिक्षक ही नहीं होंगे तो पढ़ाई कैसे होगी, और इस तरह की बिल्डिंग बनवाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। R9 TV के लिए हिसार से रुद्र राजेश कुंडू की रिपोर्ट।